नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। रतन टाटा की अंतिम यात्रा शुरू, वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी लाओस पहुंचे, लाओ रामायण के मंचन में लिया हिस्सा। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, बोले अखिलेश यादव। अमिताभ बच्चन के लिए रतन टाटा ने प्रोड्यूस की थी फिल्म, निधन की खबर सुन भावुक हुए बिग बी। सीएम नीतीश को मिले भारत रत्न, चिराग ने किया समर्थन। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना के पिता का निधन, T20 वर्ल्ड कप के बीच में छोड़कर लौटी घर। यूपी में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के घर से 50 लाख के जेवर चोरी, 20 साल पुराने नौकर ने किया कांड। इस हार को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा, हरियाणा के नतीजों पर बोले अशोक गहलोत। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे बीजेपी चीफ JP नड्डा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।